डियर स्टूडेंट, आई एम बुधराज सिंह। टुडे आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 6। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1C। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स अंडरलाइंड इन ईच केस। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन का मतलब है, देखिए आपको प्लेस वैल्यू लिखना है किसका बेटा, जिस डिजिट के नीचे अंडरलाइन किया गया है। अंडरलाइन क्या होता है, जिस डिजिट के नीचे ऐसे लाइन खींचा गया होगा उसका आपको क्या बताना है, प्लेस वैल्यू बताना है। तो प्लेस वैल्यू आप तो पिछली कक्षा में पढ़ ही चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखिए पार्ट ए को देखिए स्टूडेंट, आपको इसमें देखिए 5 के नीचे अंडरलाइन किया गया है, तो हम 5 का क्या निकालेंगे, प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो 5 × 1, 10, 100, 1000, 10,000 lakh। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000 lakh मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आएगा, देखिए 5 × 5, इसके बाद जितने जीरो हैं उतना जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए। इस प्रकार आपका आंसर क्या होगा, देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000 lakh, 5 lakh क्या होगा डियर स्टूडेंट, 5 lakh। इसी प्रकार देखिए बी वाले को देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिए 2 के नीचे अंडरलाइन किया गया है, तो 2 × 2, 2 × 1, 10, 100, 1000, 10,000 lakh, 10 lakh 1, 10, 100, 1000, 10,000 lakh, 10 lakh मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 जितने जीरो हैं उसके बगल में क्या कर दीजिए, उतार दीजिए, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसके अंदर देखिए डियर स्टूडेंट, 8 के नीचे अंडरलाइन किया गया है, तो 1, 10, 100, 1000, 10,000 lakh, 10 lakh करो, तो 8 × 1, 10, 100, 1000, 10,000 lakh, 10 lakh करो, मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 1 = 8, जितने जीरो है उतने जीरो को क्या कर दीजिए डियर स्टूडेंट, उतार दीजिए, और आपका प्लेस वैल्यू रेडी हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस प्रकार ये हमारा ए का प्लेस वैल्यू ये होगा, बी का यह और सी का यह। इसी प्रकार उसने जितना भी पार्ट दिया गया होगा अपने घर से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रा एन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड प्लेस द डिजिट्स अकॉर्डिंग टू देयर पीरियड एंड प्लेस। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को मैं बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि नीचे जो नंबर दिया गया है उसको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अनुसार उनको उनके प्लेस पर क्या कीजिए, दर्शाइए, मतलब दिखाइए। तो देखिए हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट यहाँ पे बन चुका है। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता है स्टूडेंट, 1, 10, 100, 1000, 10,000 lakh, 10 lakh, 10 crore, 10 crore और यहाँ पे SN लिखा गया है, SN का मतलब सीरियल नंबर। तो A को देखिए हम लोग इसमें भरेंगे, A को हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, भरेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे A, देखिए A में क्या लिखा है स्टूडेंट, इस साइड से भरिए, 1 में क्या है 9 भरा जाएगा, 8, 1, 2, 6, 5, 4 ये हमारा A का भरा जा चुका है। B वाले को देखिए, इसी प्रकार B वाले को भी करेंगे, 8, 7, 6, 9
उसमें अगर जो प्लेस अगर कम पड़ेगा तो इसे आप आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे आपने क्या 1, 10, 100, 1000, 10 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, इसके बाद अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब आगे बढ़ा सकते हैं आप लोग अपने आवश्यकता के अनुसार। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ई के लिए। डियर स्टूडेंट, फिर से वही क्वेश्चन है, राइट द प्लेस वैल्यू, आपको प्लेस वैल्यू लिखना है ऑफ ईच डिजिट। बट डिफरेंस क्या है, ईच डिजिट का मतलब होता है प्रत्येक अंक का, ईच मतलब प्रत्येक, यानी जितने भी डिजिट दिए गए हैं सबका आपको प्लेस वैल्यू निकालना है। जबकि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया था बस उसका प्लेस वैल्यू निकला था, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए को पढ़ रहे हैं। देखिए 9 का जब हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 9 × क्या होगा, 1, 1 × 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 क्या आ जाएगा, 9। इसी प्रकार 1 × 1 10, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 × 1 = 0। इसी प्रकार 8 का 8 × 1 10 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 × 1 = 0। इसी प्रकार 2 का देखिए, 2 × 1 10 100 1 10 100 1000 मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 = 3 0 = 3 0 होता है। अब 6 को देखिए, 6 देखिए 1 10 100 1000 10000 1 10 100 1000 10000 मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 6 = 40 इसके बाद 5 को देंगे, 5 × 1 10 100 1000 10000 lakh 1 10 100 1000 10000 lakh। डियर स्टूडेंट मल्टीप्लाई करिए, 5 × 5 कितने 0 है, 5 0 यहाँ पे क्या कर दीजिए उतार दीजिए और आपका प्लेस वैल्यू हो गया। इसके बाद 7 1 10 100 1000 10000 lakh 10 lakh तो 1 10 100 1000 10000 lakh 10 lakh। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से काउंट आप इस तरह से करेंगे, हम देखिए 1 10 100 1000 10000 lakh 10 lakh तो 7 × 7 जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी पार्ट दिए गए होंगे आप उन्हें अपने घर से कंप्लीट कर लीजिएगा, जहां समझ में नहीं आएगा वहां आप पूछ लीजिएगा। डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। डियर फ्रेंड निम्नलिखित नंबर का आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है, प्रसारित करके लिखना, प्रसार करके लिखना, प्रसार मतलब होता है फैला कर लिखना, इसको हम विस्तारित रूप भी कहते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म को क्या कहते हैं डियर फ्रेंड, विस्तारित रूप भी कहते हैं। तो ये जो नंबर दिया गया है हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो देखिए 6 × देखिए 1 10 100 1000 10000 lakh
सभी को आप घर से कंप्लीट कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।